एक आदमी था, उसने अपने गांव में ना मस्जिद बनाने की, एक अच्छी सी बिल्डिंग मस्जिद बनाने का सोचा उसने। तो वो लोगों के पास एक अच्छा आइडिया लेके गया कि आई वांट टू बिल्ड अ मॉस्क। लोगों ने आगे से जो ना बड़ा जबरदस्त एक जुमला बोला, शक्ल देखी है तुमने, आया बड़ा मस्जिद है बनाने, चल निकल यहाँ से। तो इसको अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करिएगा। तो लोगों ने उसको यही कहा, शक्ल देख जा निकल यहाँ से। बहरहाल उसने ना उसको पता आर्किटेक्चर क्या होता है, ना उसको पता ये ब्रिक वॉलिंग क्या होती है, ना सीमेंट का पता, ना बजरी का पता, ना उसको पता ये लाल ईंटे ब्लॉक्स के साथ कैसे बनते हैं, एंगल फैंग, पूरा आर्किटेक्चर कोई सेंस नहीं था। नीयत अच्छी थी और अंदर से धक्कड़ मार किस्म की सोच थी, और पहाड़ फाड़ कलेजा था, घुस गया अंदर जाके काम करने। पहली दीवार बड़ी मुश्किल थी बनाना, बड़ी पहला पत्थर रखा वो टूट जाए, दूसरे को करें वो निकल जाए, सीमेंट यहाँ से करें वो उखड़ जाए, आता ही नहीं था। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। द फर्स्ट स्टेप कहते ना, द हार्डेस्ट वॉक यू कैन मेक इज द वॉक यू मेक अलोन। जिंदगी के मुश्किल तरीन सफर तन्हाई में होते हैं। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ आ जाएगा तब तो टीमें वैसे ही तेरी गुलामी करने आ जाएंगी। असल दम तो तब है कि जब तेरे पास सिर्फ एक सोच और आइडिया है और वो पॉलिश भी नहीं हुआ और मैदान में उतर, तो उतर क्या? एक आदमी कौम पर नहीं है, 90% पूरा गांव जो है ना हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, बेइज्जतियां कर रहा है उसकी उस टाइम। दे आर लिटरली लाइक एनीथिंग। तो बड़ी मुश्किल से एक दीवार हुई उसकी, तो 25% लोग ना पहली दीवार पे खामोश हो गए, यार ये तो एक दीवार खड़ी हो। दूसरी दीवार शुरू की, कुछ लोगों ने आके कहा हम हेल्प कर देंगे मगर पैसे लेंगे। उसने कहा यार आजा कोई मसला नहीं है। बहरहाल अब एक आध बंदा भी मदद करना शुरू हो गया, सफर शुरू हुआ और उससे जल्दी दूसरी दीवार तैयार हो गई। दूसरी दीवार तैयार हुई तो 50% मुखालफत खत्म हो गई कि यार बड़ी बात है यार, दो दीवारें खड़ी कर गए। फिर तीसरी दीवार शुरू की तो अब बहुत से लोगों ने, उनका यकीन बिल्ड होना शुरू हुआ, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्या कहा?